क्या है? नहीं, वो तेल मिलेगा, तेल। तेल? वो बंटी है ना, वो नहाने के लिए तेल ले गया। दिन भर मसाज करता रहता है, सारा तेल खत्म कर दिया। थोड़ा तेल आपके यहाँ से उधार मिलेगा, मेकअप उतारना है। एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुमसे एक राज की बात बोलनी है। ये बंटी है ना बंटी, इसका कभी भरोसा मत करना, एकदम यकीन करने के लायक आदमी नहीं है। यही वो राज की बात है? नहीं नहीं, राज की बात तो दूसरी है। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी थी, तुमको बताना था कि कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, मालूम है क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या कमाल का डांस करते हैं, कमाल की सुपर डुपर की भी ऊपर की जोड़ी है। तो ये वो राज की बात है? नहीं, राज की बात तो ये है कि मैं तुमको बताना चाह रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये जोड़ी जो हम लोग दोनों की है वो असली जिंदगी में भी जोड़ी बन जाए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। रुक, तू उसके कमरे में क्या कर रहा था? नहीं, मैं तो गया नहीं कहीं। तो तू ये गाल क्यों दबा रखा? दिखा ना, ये तेरे गाल लाल क्यों है? वो लिपस्टिक गई नहीं यहाँ से। लिपस्टिक? तेरे गाल पे लिपस्टिक क्यों आएगा? बोलना। एक किसी को बोलना नहीं है, मैं उसके कमरे में गया। नहीं, प्रॉमिस। मैं नहीं, प्रॉमिस। पक्का? बोलना। सुनो, बता। बोल। क्या मुझे प्यास लगी थी? हाँ। मैं उसके कमरे में गया पानी में। हाँ। तो वो आई। हाँ। आके ऐसे आगे बोल रहे यार, सुन तो सही, बता दो ना। आके मुझे बोलती है पानी, मैंने हाथ पकड़ लिया। हाँ। फिर हाँ, आगे बोल। नहीं बता, बता। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। एक चीज बता नहीं है, मेरी इज्जत। अरे भाई क्यों बताऊंगा यार। ये रहा जी आपका एडवांस, शो आपका बहुत अच्छा था। ये हीरोइन का नाम क्या है? अच्छी थी है? साइन कहाँ करना है? साइन तो यहाँ करना है। देखिए अब तय ये हो गया है कि 29 तारीख को आप अपना पूरा ग्रुप लेकर लंदन जाएंगे। पूरे एक महीने का प्रोग्राम है, है? ये हीरोइन तो सेम रहेगी ना? साइन हो गया। साथी सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। कल रात को जब ये तेरे कमरे में आए तो इसके साथ उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? सुना सेठ जी, सावित्री जी कह रही है मैंने क्या किया। क्यों? कल रात को जब ये तेरे रूम में आया तब तो तू कुछ नहीं बोली, है? अब चिल्लाने लगी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? अबे रुक ना। रात का छोड़, अभी का बोल। बाबला, तू रात को इसके कमरे में गया था? गया था? तू इसके कमरे में गया था क्या? मैं तो सेठ जी शाम को 7 बजे के बाद सो रहा था। हे राम, ये दरिंदा कितना झूठ बोलता है सेठ जी, इसको पूछो कल रात को तूने मेरे को बोला नहीं कि तू उसके रूम में गया था? अरे भैया, मुझे 7 बजे सोता हूँ तो उसके बाद एक दो नंबर करने के लिए उठता नहीं हुआ। तू मुझे मिला नहीं था? तब 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 कब? सेठ जी मैं बोलता हूँ इस आदमी को यहाँ से निकालो। सेठ जी एकदम चुप चुप, तो पहले इसकी माफी मांग। सेठ जी मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सब इस कमीने की वजह से हुआ। तू लंदन आ, तुझे तो मैं वहाँ देखूंगा। ऐसी बदमाशी अगर ये खुलेआम करेगा तो हम औरतों का लंदन में क्या होगा? माफी वाफी नहीं चलेगी,
इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। लो, एक और सावित्री बोली। पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को। अरे चुप करो, शोर मत मचाओ कमीना। वो ऑर्गेनाइजर सुने के तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? साले तुम्हारी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत का तो कुछ सोचो। साले मेरी 30 साल की करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन जब से तुम दोनों आए हो मेरी उम्र दुगनी हो गई है। वो सब बात ठीक है, लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मारने की सजा मिली थी, जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था। और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। आज से 1 महीने के लिए सबके गंदे कपड़े तू धोएगा। खुश चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में और गंदे कपड़े संभाल के रखो। ये देखो, ये सबके पासपोर्ट और टिकट हैं। सबको बोलना कि मंगल सूत्र की तरह संभाल के रखे, समझ गई? शेट्टी 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 चिल्ला मत रे। वो हीरोइन क्या हीरोइन का क्या हो रहा है? वो लंदन नहीं आ रही है बेचारे। शेट्टी क्या हुआ? शेट्टी क्या हुआ? शेट्टी क्या हुआ? अरे कोई पानी ले आओ। अरे बिजली जी देखो यार क्या हुआ, क्या हुआ शेट्टी? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ, तुम दोनों की वजह से मेरी हीरोइन नहीं आ रही। इन दोनों की वजह से हमारे शो में कोई भी लड़की नहीं टिकती। मैं तो कहती हूँ निकाल देना चाहिए इन दोनों को। ये दो निकाल देना, निकाल देना। ए पानी दे सेठ जी को। सेठ जी पानी। सेठ जी मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हम लोग वहां जाके कर लेंगे। तू क्या करेगा? तू पहनेगा उसका ब्लाउज पेटीकोट, तू क्या करेगा? अरे सेठ जी वहां पर अपने हिंदुस्तानी भाई लोग बहुत रहते हैं, कोई ना कोई हीरोइन मिल जाएगी हमें। बराबर है। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वही चल के देख लेंगे, लेकिन पहले लंदन तो चलिए। सब लोग आ गए? जी सब लोग आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो किसको ढूंढ रहे हैं आप? वो आपकी मुख्य अभिनेत्री नहीं आई? वो शो फ्राइडे को है ना, तो 2 दिन के बाद आ रही है। उसका मामा मर गया ना, मदर ब्रदर डेड, तो 2 दिन के बाद। ओके ओके, फिर तो ठीक है। तो बाकी सब लोग अपना अपना सामान लेके बस में बैठ जाइए। आप डायरेक्टर है ना, आप मेरे साथ टैक्सी में आइए। कुल्लू इनके सामान टैक्सी में, बाकी सब लोग बस में, बस में, बस में। आइए आइए आइए। वेलकम 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 भाई। अब सुनो, कोई धूम्रपान मत करना और हाँ थूकना नहीं, ये भारत नहीं है, इसे भारत मत बनाना। चलो चलो चलो, सब लोग एक एक करके नीचे उतरो। चलो चलो चलो, वेलकम वेलकम। सब लोग अपना अपना सामान लेकर रिसेप्शन काउंटर पे जाइए और अपने अपने कार्ड ले लीजिए। वेलकम वेलकम। और सुनिए, ये पूरा मोटेल सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहेगा। पूरा इंतजाम कर दिया, बस कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं। वो कपड़े धोने के लिए आदमी लाए हैं हम लोग अपने साथ। वो भी है? वो जो भी है पता नहीं, धोबी है कि फूल गोभी है। धोबी है, धोबी है, है धोबी यहाँ। इधर कोई खाने पीने की व्यवस्था है क्या? अरे खाने पीने की तो तकलीफ ही नहीं है ना, रसोई घर है, बर्तन है, सब कुछ है, सिर्फ पकाने वाला नहीं है। वो आपको खुद पका के खाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है ना। नो रूम सर्विस। अरे गुल्लू इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये टैक्सी वाला गुल्लू आज के दिन ही आप लोगों के साथ ही रहेगा। कुछ भी बाजार से मंगा लो, इससे मंगा लेना, ये आपको ला के दे देगा। गुल्लू इनको संभालना, अपने लोग है भाई, हाथ से नहीं जाने चाहिए, समझिया ना? आराम से रहिए, अपना मोटिव समझिए से। अब मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा शो के दिन। हद हो गई शराबत की। बाय। आ जा गुल्लू, आ जा आ जा, पैसा दे दो ना, तेरी मां। चलो भैया, सबका चाय नाश्ता नहाना धोना हो गया ना? मेरा बाकी है। क्या प्रॉब्लम है? वो रूम सेट हो रहा है अभी। चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास हीरोइन नहीं है, और वो समस्या का निवारण भी हो गया। क्या निवारण किया, कैसे किया? देखो क्या है, कहानी वही रहेगी,
सिर्फ हीरो हीरोइन बदल गए हैं। हीरोइन कौन होगी? मैं हूँ। है? मैं हीरो हूँ और ये वैजयंती वो हीरोइन बनेगी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, ये अपना लास्ट शो है, इसके बाद सीधा इंडिया। चुप कर, तेरी वजह से हीरोइन भाग गई है। हाँ वो जो भी है, लेकिन पब्लिक हमारे कपड़े तो नहीं फाड़ेगी। नहीं मैं क्या सोच रहा था कि अगर सेजी हीरो बनते हैं और ये हीरोइन बनती है तो उसका शीर्षक क्या होगा? सिग्नल बुढ़ापे का सिग्नल। स्टूपिड इडियट, वेरी फनी। सर जी आवाज बंद नहीं होगी, बोलते रहो। सर जी एक धमकी है, अगर ये हीरोइन बनती है तो इस नाटक का विलन मैं बनूंगा। तू क्यों बनेगा? तू क्यों बनेगा? विलन हमेशा मैं बनते हूँ, मैं ही रहूंगा, समझे ना? तेरे को तो हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अभी चांस मिल रहा है तो लेता क्यों नहीं है? भाई साहब मुझे हीरो बनना है, किसी का बेटा नहीं बनना। मुझे भी किसी का बेटा नहीं बनना। शट अप। चुप 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 चुप। अभी सिर्फ एक रास्ता है और जो सबको मानना पड़ेगा, जो हीरोइन ढूंढ के लेके आएगा वो ही हीरो का रोल करेगा। हीरो का रोल करना है तो हीरोइन लेकर आओ, नहीं तो मैं इसके साथ शो करूंगा और जो मेरे साथ शो नहीं करेगा उसको मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा। हो सकता है वो कर लेगा।